Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the role of computer in research. Now, computer के बारे में आपको पता है कि computer के वजह से हमारा जो काम है वो काफी easy हो जाता है. जैसे computer जो है हर एक field में use किया जाता है. Business के अंदर computer का use होता है, teaching learning के अंदर computer का use होता है, banking के अंदर computer का use होता है. तो सब जगह पे computer का use हो रहा है. सेम तरीके से रिसर्च एक्टिविटी में भी कंप्यूटर जो होता है उसका काफी बड़ा रोल होता है. पुराने जमाने में जब रिसर्च किया जाता था और रिसर्च रिपोर्ट लिखा जाता था तो वो पूरा मैनुअल हुआ करता था. लेकिन आजकल कंप्यूटर के वजह से रिसर्च जो है वो काफी एफिशिएंटली किया जा सकता है और काफी फास्ट किया जा सकता है. तो कंप्यूटर जो होता है उसका रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस होता है वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं. सो रिसर्च के पूरे प्रोसेस के अंदर कंप्यूटर जो होता है काफी एसेंशियल होता है. ना कंप्यूटर का रोल जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप लार्ज सैंपल के ऊपर या लार्ज लोगों के ऊपर रिसर्च करते हो तभी, क्योंकि इतने सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना और उसको स्टोर करके रखना मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन कंप्यूटर के थ्रू हम लोग मैक्सिमम लोगों का रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं और उनके पास से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डेटा जो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हम लोग इमीडिएटली भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में जब भी हमको चाहिए तभी भी वो डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं. कंप्यूटर के अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे डिस्क होता है, फिर सीडी होते हैं, पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, जिसके अंदर हम लोग ये डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं. सो कंप्यूटर डेटा स्टोर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है. कंप्यूटर जो होता है वो रिसर्च के अलग अलग फेजेज में हेल्प करता है. अभी कौन से रिसर्च के फेजेज में कंप्यूटर का यूज होता है वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले है रोल ऑफ कंप्यूटर इन कॉन्सेप्चुअल फेज. कॉन्सेप्चुअल फेज का मतलब क्या, कौन से एरिया में रिसर्च करना है, कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है, किस तरीके से रिसर्च करना है, ये सब डिसाइड करने में कंप्यूटर काफी ज्यादा हेल्प करता है. सो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फेज में फ्रेमिंग रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये सारे जो चीजें होती है वो इन्वॉल्व होती है. नाउ फ्रेमिंग रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहिए, वो कंप्यूटर की वजह से पता चलता है. रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पास्ट लिटरेचर होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोग को हमारा रिसर्च कंडक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है. जहाँ पे जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन्स वगैरह हम लोग पढ़ सकते हैं ताकि हमारा प्रेजेंट रिसर्च जो हम लोग इजिली कर पाए, जिससे हमको आइडिया मिलती है कि पास्ट में जो भी रिसर्चर्स हुए उन्होंने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया था और कौन से प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि कोई भी थ्योरी जो होती है वो थ्योरी को फाइंड आउट करने में भी कंप्यूटर जो होता है वो हेल्प करता है. एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि आप एजम्पशंस बनाते हो रिसर्च के अंदर और फिर वो एजम्पशंस को आप चेक करके देखते हो कि वो एजम्पशंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है. अभी रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम करने में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करने में, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने में कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है, तो कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के हेल्प से काफी ज्यादा लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं और लिटरेचर रिव्यू से हम लोग दूसरों के रिसर्च वर्क को रिफर कर सकते हैं, जिससे हमको हमारा रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम करने में हेल्प हो सकता है, जिससे हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी होता है. अलग अलग टाइप की थ्योरी हम लोग को पता चलती है, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग को थ्योरी जो होते हैं उसको पढ़ना और उसको मेंशन करना रिसर्च रिपोर्ट में काफी जरूरी होता है. जैसे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की थ्योरी समझना बहुत जरूरी होती है रिसर्चर के लिए जब वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. सो कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कर सकते हैं, मतलब अलग अलग थ्योरी समझ सकते हैं जिससे हमारा रिसर्च कंडक्ट करने में हमको हेल्पफुल हो सकता है. और फिर हम लोग दूसरों के लिटरेचर को रिव्यू करके हाइपोथेसिस भी फ्रेम कर सकते हैं. सो इस तरीके से कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट के थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने की वजह से, मतलब दूसरे जो रिसर्चर्स हैं उनके रिसर्च वर्क को पढ़ने की वजह से हम लोग को हमारा रिसर्च प्रॉब्लम जो फ्रेम करने में हेल्प होता है, हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी हो जाता है, हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम लोग को बनाने में आता है और हाइपोथेसिस बनाने में भी हम लोग को हेल्प करता है. नाउ कंप्यूटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी लिटरेचर हम लोग ने पढ़ा है वो लिटरेचर को हम लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि जब भी हम लोग को लिटरेचर को पढ़ना है हम लोग पढ़ सकते हैं. जैसे कि सपोज आपको गूगल में क्या करना है, जो भी लिटरेचर आपको चाहिए उसका टॉपिक का नाम आप वहां पे टाइप कर सकते हैं. जैसे आप कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो जहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन है, तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, गूगल के अंदर टाइप करोगे कि रिसर्च पेपर ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो आपको काफी सारे रिसर्च पेपर वहां पे ऑनलाइन मिल सकते हैं. सारे के सारे पेपर आप एक साथ रिफर नहीं कर सकते हैं,
तो आप लोग उसको डाउनलोड करके रख सकते हो ताकि फ्यूचर में बाद में आप उसको पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स, काफी सारे रिसर्च वर्क जो होते हैं उसको आप डाउनलोड करके कंप्यूटर में रख सकते हो, जिसको फिर बाद में आप लोगों को जब भी टाइम मिलेगा तभी पढ़ सकते हो। और उसको पढ़ने के बाद में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम करने में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करने में और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने में हेल्प होता है। अगर मैनुअली ये सब चीजें करने के लिए हम लोग जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जैसे कि आपको लाइब्रेरी में जाना है, बुक्स को सर्च करना है या जर्नल्स को सर्च करना है, फिर उनको पढ़ना है, फिर बाद में उसमें से हम लोग को रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस बनाने, तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। प्लस वहाँ पे काफी ज्यादा पैसे और एफर्ट जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के वजह से ये सब चीजें जो है करना काफी ईजी हो सकता है। इसके लिए आप लोग देखते हो कि काफी सारे रिसर्चर जो है वो कंप्यूटर का हेल्प लेके काफी सारा रिसर्च कर रहे हैं। और जैसे हम लोग ने एथिक्स इन रिसर्च के अंदर देखा था कि रिसर्च को एडवांस करना काफी जरूरी है, मतलब रिसर्च को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, तो अगर कंप्यूटर से हम लोग रिसर्च करेंगे तो हमारा रिसर्च जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में हो सकता है और हम लोग नई नई प्रॉब्लम जो है उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो होता है वो रिसर्च के कॉन्सेप्चुअल फेज में, मतलब शुरुआत के फेज में, जहां पे हमने ये चार चीज देखे, फ्रेमिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये सब करने में कंप्यूटर हेल्प करता है। दूसरा, रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिजाइन एंड प्लानिंग फेज, मतलब जहां पे हम लोग रिसर्च को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। नाउ बेसिकली यहाँ पे डिजाइन एंड प्लानिंग फेज में क्या क्या आता है, तो रिसर्च डिजाइन बनाना, मतलब रिसर्च का प्लान बनाना, जो हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कौन से एरिया में रिसर्च करना है, कितने फंड्स लगेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, या कौन से एरिया में रिसर्च करना है, रिस्पोंडेंट्स क्या होंगे, सैम्पलिंग साइज क्या होगा, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, उसका एक प्रपोजल बनाते हैं या उसका एक प्लान बनाते हैं, उसको रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। देन नेक्स्ट है पॉपुलेशन। नो पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने में कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है, तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन मतलब किसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो या किसके पास से आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग आपका पॉपुलेशन हो जाते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज आपके पॉपुलेशन हो जाते हैं। सो पॉपुलेशन को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड मत करना, पॉपुलेशन मतलब पूरे कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन मतलब आप किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो। तो कितना पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग कंप्यूटर के हेल्प से, इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज रिसर्च वेरिएबल्स। मैंने आपको बोला रिसर्च वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों के रिसर्च आर्टिकल्स को रिफर कर सकते हो और फिर बाद में उसमें से आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौन से वेरिएबल के ऊपर रिसर्च किया है। जैसे कि सपोज उन्होंने सेटिस्फेक्शन के ऊपर रिसर्च किया है तो आप प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको रिसर्च वेरिएबल जो होते हैं वो फाइंड आउट करने में भी यहाँ पे कंप्यूटर हेल्प करता है। देन सैम्पलिंग प्लान, दूसरे लोगों ने अपना सैम्पलिंग प्लान कैसे किया है, क्योंकि पूरे पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता है, तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे रिसर्चर्स ने किस तरीके से सैंपलिंग प्लान किया है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना प्लान जो है बना सकते हो। देन रिव्यूइंग रिसर्च प्लान, आप आपके रिसर्च प्लान को टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकते हो कि आपके रिसर्च प्लान के हिसाब से सब काम हो रहा है कि नहीं। एंड देन पायलट स्टडी, पायलट स्टडी का मतलब क्या होता है कि जब आप आपका क्वेश्चनर बनाते हो तो आप कुछ लोगों का डेटा पहले कलेक्ट करते हो, जैसे कि 10 लोग है, 15 लोग है, उनके पास से आप डेटा कलेक्ट करते हो ये चेक करने के लिए कि आपका क्वेश्चनर जो है वो बराबर है कि नहीं और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। पायलट स्टडी की वजह से आपको आपकी क्वेश्चनर जो है वो बेटर बनाने में हेल्प होता है। अगर पायलट स्टडी में आपको ऐसे लग रहा है कि लोग बराबर डेटा नहीं दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर वो मिस्टेक कर रहे, तो आप उस हिसाब से वो क्वेश्चन में करेक्शन कर सकते हो, क्वेश्चनर में करेक्शन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपने कंप्यूटर के हेल्प से इंटरनेट पे काफी सारे रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल जो जिसको रिफर किया, जिसके वजह से रिसर्च डिजाइन कैसे बनाना है, पॉपुलेशन क्या साइज है, रिसर्च के कौन से वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्च हुआ है और कौन से वेरिएबल पर रिसर्च नहीं हुआ है वो आपको पता चल सकता है, जिसको आप रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो, और जो वेरिएबल के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है उसको आप रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो। फिर दूसरे रिसर्चर ने अपना सैम्पलिंग प्लान कैसे बनाया है, उस हिसाब से आप आपका प्लान बना सकते हो। रिसर्च प्लान को टाइम टू टाइम रिव्यू करना और पायलट स्टडी करना, ये सब जो होता है कंप्यूटर के वजह से रिसर्चर को काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। देन थर्ड वन इज रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेटा कलेक्शन। नाउ कंप्यूटर जो है वो डेटा कलेक्शन में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता है गूगल फॉर्म है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, गूगल फॉर्म के ऊपर आप आपका क्वेश्चनर बना सकते हो और लोगों के पास से डेटा कलेक्ट कर सकते हो।
उसी के साथ साथ मंकी सर्वे, ये भी डेटा कलेक्शन का एक वेबसाइट है, तो गूगल फॉर्म की तरह ही आप लोग मंकी सर्वे के ऊपर भी डेटा कलेक्शन कर सकते हो। और ये जो गूगल फॉर्म, मंकी सर्वे वगैरह है, इसका एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर इनबिल्ट एक्सेल स्प्रेडशीट होता है। मतलब जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो उसका ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट के अंदर डेटा जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से डेटा जो मैनुअली एंटर नहीं करना है, क्योंकि कैसे होता है कि आप लोग जब फिजिकली डेटा कलेक्ट करते हो क्वेश्चनर के थ्रू, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद में आपको उसको फिर एक्सेल के अंदर खुद से टाइप करना पड़ता है। लेकिन ये गूगल फॉर्म, monkeysurvey.com जो है, इसके अंदर इनबिल्ट एक्सेल स्प्रेडशीट होता है। आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे डेटा खुद से एंट्री नहीं करना है, आपका डेटा शीट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका डेटा जो एनालिसिस के लिए डायरेक्टली रेडी हो जाता है। आपको डेटा को एंट्री करके फिर एनालिसिस करना पड़ता नहीं है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका टाइम जो है बच रहा है। प्लस कभी कभी क्या होता है कि मैनुअली डेटा जब इंसर्ट किया जाता है तो वो डेटा में कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एक्सेल की स्प्रेडशीट क्रिएट हो रही है तो उसमें मिस्टेक के चांसेस होते नहीं है। सो इस तरीके से कंप्यूटर का यूज करके यहाँ पे रिसर्चर्स डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज उनको डेटा के अंदर कोई करेक्शन करना है, एडिटिंग करना है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि किसी ने ऑनलाइन गूगल फॉर्म तो भर दिया, लेकिन वो फॉर्म जो है उसने डबल टाइम भरा हुआ है, या आधा फॉर्म भरा है आधा नहीं भरा है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वैसे फॉर्म को डिलीट करना पड़ेगा। तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, या फिर सपोज कहीं पे किसी ने कुछ गलत मार्किंग किया हुआ है तो उसको आप करेक्ट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट भी कर सकते हो, और डेटा के अंदर कोई करेक्शन करना है या एडिटिंग करना है तो वो भी पॉसिबल होता है। तो कंप्यूटर आपको डेटा कलेक्शन करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ कंप्यूटर इन डेटा एनालिसिस। ना जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा को एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है। डेटा को एनालिसिस करने की वजह से रिसर्च के फाइंडिंग जो होते हैं वो पता चलते हैं, तो इसके लिए डेटा एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर के हेल्प से डेटा एंट्री, डेटा एडिटिंग, डेटा मैनेजमेंट और डेटा फॉलोअप करना काफी इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप लोग गूगल फॉर्म, monkeysurvey.com ये सब यूज करते हो तो उसके अंदर इनबिल्ट एक्सेल स्प्रेडशीट जो होता है वो क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पे खुद से मैनुअल डेटा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा एंट्री का काम जो एकदम ईजी हो जाता है। फिर आपको डेटा में कुछ एडिटिंग करना है, मतलब कुछ डेटा डिलीट करना है या कुछ डेटा जो है वो प्रॉपर नहीं है उसको आपको प्रॉपर करना है, तो वो भी पॉसिबल होता है कंप्यूटर के अंदर। फिर डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हो और जब भी चाहिए तभी उसको यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज डेटा मैनेजमेंट एंड फॉलो अप ऑफ द डेटा। तो ये सब जो होता है वो कंप्यूटर के हेल्प से काफी ज्यादा इजीली हो सकता है। नाउ डेटा एनालिसिस के अंदर दो चीजें करनी होती है, जहां पे आप क्या करते हो, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उसके टेबल्स और ग्राफ बनाते हो, जो एकदम सिंपल तरीका है डेटा एनालिसिस का, और दूसरा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाया है उसको टेस्टिंग करना भी काफी जरूरी होता है। उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे काई स्क्वेयर है, अनोवा है, एफ टेस्ट है, ये सारे टेस्ट को यूज किया जाता है और हाइपोथेसिस का टेस्टिंग किया जाता है। ना यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, जैसे कि SPSS है, NCSS पास है, स्टाटा है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके यहाँ पे टेबल्स, ग्राफ्स वगैरह यूज किए जा सकते हैं और हाइपोथेसिस का टेस्टिंग भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स है काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सो जो भी छोटे मोटे रिसर्चर्स है उनके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनके लिए ये अफोर्डेबल होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी एक ऑप्शन होता है कि हर एक के कंप्यूटर के अंदर MS Excel स्प्रेडशीट जो होता है वो अवेलेबल होता है। इवन MS Excel के अंदर आप लोग डेटा का एनालिसिस कर सकते हो, जहां पे आप ग्राफ्स बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, इवन वहां पे काई स्क्वेयर, अनोवा, टी टेस्ट, ये सब टेस्ट जो होते हैं वो भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो। सो कंप्यूटर का हेल्प लेके यहाँ पे डेटा कलेक्शन भी किया जा सकता है और डेटा का यहाँ पे एनालिसिस भी किया जा सकता है। कंप्यूटर जो होता है सिर्फ डेटा एनालिसिस में हेल्प नहीं करता है, तो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, डेटा कंप्लीट है कि नहीं, वो भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि सपोज आपने काफी सारे लोगों का डेटा कलेक्ट किया, जिसमें 500 या 1000 लोगों का आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर हम लोग फिल्टर लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने लोगों ने येस बोला है, कितने लोगों ने नो बोला है, या कितने लोगों का रिस्पॉन्स ब्लैंक है, ये सब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंप्यूटर जो होता है डेटा एनालिसिस में तो हेल्प करता ही है, पर उसके साथ साथ हम लोग का डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, वो भी फाइंड आउट करने में कंप्यूटर जो होता है वो हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज रोल ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर आपने कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखा है या रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा है तो उसको आप क्या कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर।
जैसे कि आपने वर्ड के अंदर अगर कोई आर्टिकल बना है, रिसर्च प्रोजेक्ट बना है, तो उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। पीडीएफ को ही पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट बोला जाता है। पीडीएफ क्या होता है आपको सबको पता है, और फिर बाद में आप उसको क्या कर सकते हो, इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है शोध गंगा है, शोध गंगा के ऊपर काफी सारे पीएचडी की थीसिस अवेलेबल होती है, या स्कॉर्पस वगैरह है, और भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पे आप आपके रिसर्च वर्क को पब्लिश कर सकते हो और लोग जो है आपके रिसर्च वर्क को यहाँ पे रिफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर का हेल्प लेके इंटरनेट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च के इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। तो रिसर्च में कंप्यूटर किस तरीके से हेल्पफुल होता है ये हमने देखा, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब जहां से आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो, वहां से लेके फिर बाद में रिसर्च डिजाइन बनाना, सैम्पलिंग करना, सैंपल साइज डिसाइड करना, फिर बाद में डेटा कलेक्शन करना, डेटा एनालिसिस करना और रिसर्च को डिसेमिनेट करना। सो ये सब रिसर्च के स्टेप में कंप्यूटर जो होता है काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रोल ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च। ये मेरी URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।